डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनसीईआरटी का ये मैथ है क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 7.3। तो इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं इसको आपको पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करके देता जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर क्या कह रहा है, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। इस बॉक्स में करेक्ट नंबर डालना है, यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसके इक्विवेलेंट ये हो जाए। तो इस तरह का एक करेक्ट नंबर यहाँ पे डालना है। सबसे पहले यहाँ पे 2/7 है और इसके इक्वल में हम लोग देख रहे हैं 8 है और इसमें क्या होगा। तो 2 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 2 × 4 = 8 होता है, 4 बार पढ़ें तो इसका मतलब है कि 7 का टेबल भी 4 बार हम पढ़ते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, इस छोटे नंबर से इस बड़ा नंबर को डिवाइड कर देते हैं। कितना बार में गया, 2 × 4 = 8 कट गया, कितना आया, 4। इसका मतलब है कि 2 से जब हम 4 को मल्टीप्लाई किए तो 8 आ गया। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 × 4 = 28 होता है, 7 × 4 = 28। तो ये 28 जो है यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे बड़ा नंबर यहाँ छोटा नंबर है, 5 × 2 = 10 होता है 2 बार में, और ऐसे ही पता कर सकते हैं। जब 5 का टेबल 2 बार पढ़ रहे हैं 10 हो गया, तो 8 का टेबल भी 2 बार पढ़ेंगे, 8 × 2 = 16। या फिर क्या करते हैं, कोई बड़ा नंबर रहेगा जब नहीं पता चलेगा, यहाँ तो छोटा नंबर इसलिए पता चल जा रहा है, तो 5 से 10 को डिवाइड कर दिया, 5 × 2 = 10 कट गया ये। अब ये 2 जो है ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब बड़ा नंबर लाना है, यहाँ पे बड़ा नंबर लाना है क्योंकि यहाँ इसके साथ बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर ला रहे हैं। और जब छोटा नंबर लाने का रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, इस नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। अभी तो मल्टीप्लाई करना है, 8 × 2 = 16 हो गया, तो ये 16 इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा नंबर है, तो यहाँ भी बड़ा नंबर लाना है, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, कितना बार गया, 4, 5 × 4 = 20। तो इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 4 = 12 हो गया, तो ये 12 आ गया इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। और दिया हुआ है डी नंबर में, दिया हुआ है डी नंबर, इसमें कितना दिया हुआ है, 45/60 = 15। अब यहाँ पे छोटा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो छोटा नंबर दिया हुआ है, इसमें भी वही होगा, तो क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है 15 से डिवाइड कर दिए किसको, 45 को, कितने बार में गया, 15 × 3 = 45 ये कट गया 3 बार में। तब हमको छोटा नंबर लाना है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने से बड़ा हो जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने बार में जाएगा, 3 × 60 डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6 हो गया, कट गया ये 0 आ गया, तो ये 0 यहाँ चला गया, मतलब 20 बार में गया। इसका मतलब है कि ये 20 जो है यहाँ पर आ जाएगा, 20 ऐसे ही पता कर सकते हैं। 15 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा, और 20 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा। ई नंबर में दिया हुआ है, ई क्या दिया हुआ है, 18/24 = बॉक्स दिया हुआ है फर्स्ट में ऊपर में, और यहाँ पे दिया हुआ है 4। तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, 4 × 24 कितना बार में गया, 4 × 6 = 24 कट गया 6 बार में। हमको छोटा नंबर लाना है तो 6 से जो है हम डिवाइड कर देंगे 18 को, 6 × 3 = 18 हो गया, कट गया, तो 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम मिला लेते हैं, 4 का टेबल अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो 4 × 6 = 24, और 3 का टेबल 6 बार पढ़ते हैं तो 4 × 3 = 18, तो इक्वल आ गया। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं।